फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुडविल से कैलकुलेशन के जरिए बारे में कुछ बात करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने डेथ ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड जो कुछ भी जनरल इंट्रीज होते थे उसके रिलेटेड डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम डिसीज पार्टनर का गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड वर्किंग नोट क्या क्या करनी चाहिए, एग्जाम में कैसे सॉल्व करनी चाहिए, इससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है तो इससे पहले डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड मैंने 7 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी की सारी थ्योरी इंक्लूड की थी विद सम रेशियोस कैलकुलेशंस के साथ साथ। अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसमें सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, उस दोनों ही वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप एक बार चेक जरूर कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेथ ऑफ पार्टनर में जो एंट्रीज होते थे गुडविल के वो हमने कैटेगराइज करे था, उसके कोड दिया था D1, D2, D3। D1 की एंट्रीज क्या होगी, गुडविल अकाउंट, DR2 डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR। अगर डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ डिसीड्स पार्टनर का गुडविल उन्होंने रेज किया तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR2 डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR। अगर सारे के सारे पार्टनर्स का गुडविल रेज्ड हुआ है, ऑल पार्टनर का गुडविल रेज्ड हुआ है इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, तो एंट्रीज क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, जिसे हम शॉर्ट कोड देंगे D2, और लास्ट में D3 की एंट्रीज। समटाइम्स होता क्या है कि डेथ ऑफ पार्टनर में डिसीज पार्टनर का गुडविल रेज्ड होता है और आपको एडजस्टमेंट में बोला जाता है कि नॉट टू शो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करने का है, गुडविल अकाउंट कहीं भी मेंशन नहीं होने का है। तो उस समय जितना भी डिसीड्स पार्टनर का गुडविल होगा उस गुडविल की अमाउंट बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर्वाइविंग पार्टनर्स के ऊपर। तो उस सिचुएशन में एंट्रीज क्या होंगी, सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं, इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम देखने वाले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 12th का कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो देखते के साथ साथ आप एक पेज वर्किंग नोट का पेज और एक पेन लेके बैठिए और वीडियो में जो कुछ भी प्रॉब्लम दिखेगा सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। प्रॉब्लम में रेशो कैलकुलेट या गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, डिसीड्स पार्टनर का कैलकुलेशन, जो कुछ भी जरूरी है वो सब आप पेज के ऊपर लिखिए और जैसे जैसे मैं वीडियो में कैलकुलेट करते जाऊंगा वैसे वैसे आप कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर में का गुडविल का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करने वाले। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना शेयर डिसीड्स पार्टनर का गुडविल में निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप ये प्रैक्टिकल सेगमेंट 2 बार देखेंगे। फर्स्ट जब आप देख रहे हो तब समझ लेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम दिया है, कैसे सर कैलकुलेट कर रहा है। एक बार वर्किंग नोट्स के स्टेप समझ लीजिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो देखते समय आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो वीडियो में देख के स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉब्लम देखिए, ये ओल्ड बुक में का है। ओल्ड बुक में के कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ और 1-2 दिन में हम न्यू सिलेबस के बुक्स के प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जो ओल्ड पार्टनर्स थे, सॉरी टोटल जो पार्टनर्स थे उनका नाम था विशाल, सागर एंड अमर, और उनका ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल था। ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल। इक्वल मतलब आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1:1:1। अब कौन से पार्टनर की मौत हो गई है, अमर की मौत हो गई है। एक बात ध्यान से सुनना कि सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको जितने महीने वो जिंदा था उतने ही महीने का देना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एनुअल बेसिस पे दिए जाते हैं। पार्टनर की मौत कभी भी हो जाए जो आपको पूरे साल भर का देना पड़ेगा उसमें आता है गुडविल। सो पार्टनर की मौत कभी भी हो जाए उसका गुडविल का शेयर आपको उसके पूरे साल भर का देना पड़ेगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज एप्रिसिएटेड बाय 3600। अब फर्म का गुडविल कितना एप्रिसिएट हुआ है, 3600। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है मार्क करके रखिए, हाउएवर ओनली अमर शेयर इन एप्रिसिएटेड वैल्यू वॉज रेज, मतलब टोटल बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है 3600, बस आपको उस 3600 में से अमर का शेयर क्या करने का है, रेज करने का। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी एक गुडविल दिया है, फोकस कीजिए
स्क्रीन पे ऊपर क्या बोला है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल दिया है जो कितना था 6000, जो कि एज इट इज बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, या फिर गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा उससे रिलेटेड कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम बताने वाला हूँ आपको। और टोटल गुडविल कितना रेज हुआ है 3600, और 3600 में से आपको किसका शेयर रेज करना है, सिर्फ अमर का शेयर आपको क्या करने का है, रेज करने का। ठीक है, देख लिया प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आएंगे वर्किंग नोट्स के ऊपर। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं, सबसे पहले देखिए टोटल रेज्ड गुडविल कितना है, एप्रिसिएटेड वैल्यू टोटल एप्रिसिएटेड वैल्यू है 3600। इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, अब इस एप्रिसिएटेड वैल्यू में से आपको बस किसका शेयर रेस करने का है, अमर का शेयर रेस करने का है। उनका रेशियो क्या था, 1:1:1, मतलब अमर का ओल्ड रेशियो टोटल रेशियो था 1:3। अगर 3600 को अगर 1:3 कर देंगे तो टोटल कितना आएगा गुडविल, 1200। सो यही था अमर शेयर इन गुडविल 1200। दैट्स इट, इतना ही कैलकुलेशंस था। फर्स्ट था इसलिए मैंने आपको इजी कंसेप्ट में बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तब तब मैं गुडविल के एडजस्टमेंट का स्टेज हार्ड करते जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ऑलरेडी गुडविल है। मैं और एक बार क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहले से गुडविल दिया है 6000, और एडजस्टमेंट में कितना हमने रेस किया, 1200। देख लिया। अब देखिए इसकी वर्किंग नोट कैसे होती, अगर आप चाहे तो गुडविल अकाउंट भी निकाल सकते हो। अगर आपने गुडविल अकाउंट निकाला तो गुडविल अकाउंट के कौन से साइड में ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखोगे, डीआर में कितना है पहले से बैलेंस 6000, रेज्ड कितना हुआ यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कितना हुआ 1200, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, D1 है, D2 है या D3 है, D1 है बराबर। तो D1 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR 7200, बैलेंस शीट 7200, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कितना लिखना पड़ेगा 7200। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कितना लिखा है 7200। ठीक है, दैट्स इट, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गुडविल का स्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, राजेंद्र, संगीता एंड संध्या का प्रॉब्लम ये। पहले प्रॉब्लम ध्यान से समझ लीजिए उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है कि राजेंद्र, संगीता एंड संध्या ये पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कितना था, 2:2:1 रेशो कितना था, 2:2:1, और उसमें संगीता की मौत हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है गुडविल से रिलेटेड, देखिए गुडविल ऑफ द फर्म रेस्ड एट ₹25,000, मतलब फर्म का गुडविल ₹25,000 से बढ़कर हो गया है। मतलब ये कौन सी एडजस्टमेंट है, D2 की एडजस्टमेंट है। क्लियर, टोटल गुडविल कितना रेज हुआ 25,000, और एडजस्टमेंट D2 की है। अब देखिए प्रॉब्लम में अब वर्किंग नोट इससे रिलेटेड कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट में गुडविल कौन सा है, D2 यानी गुडविल अकाउंट डी आर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। अब टोटल गुडविल कितना रेज हुआ 25,000, और 25,000 में से कौन से पार्टनर को किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ओल्ड रेशियो से, बस ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। अगर आप 25,000 को 2:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, पार्टनर्स के नाम क्या थे, राजेंद्र, संगीता एंड संध्या, राजेंद्र, संगीता, संध्या। तो राजेंद्र को आएगा 10,000, संगीता को आएगा 10,000, और संध्या को आएगा कितना हजार, 5,000, और इसमें से डिसीड्स पार्टनर का कौन है, संगीता। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, बस आपको रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। कुछ प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया जाता है। जो फर्स्ट दो प्रॉब्लम थे एकदम ईजी थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एडजस्टमेंट हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोला है, पराग, सिद्धेश और निशु ये ओल्ड पार्टनर टोटल पार्टनर्स थे जिनका रेशो कितना था, 4:3:3 था, और उसमें से निशु की मौत हो गई है। ठीक है, निशु कितने महीने जिंदा थे, 3 महीना, गुडविल कितने भी महीने जिंदा रहने दो, हमको गुडविल ओल्ड ऑल ईयर्स का टोटल कंप्लीट ईयर का उसको देना है। ठीक है, होल ईयर का देना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में चेक कीजिए क्या बोला है,
हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन 3 years ऑफ परचेस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. मतलब उसको जो गुडविल देना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देना है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना बोला है आपको, 3 साल बोला है. तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का नाम क्या था, पराग, सिद्धेश एंड निशु, और उनका रेशियो था 4:3:3. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको कितना बोला है, 3 years. जैस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैलकुलेशन करते समय. तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. टोटल प्रॉफिट एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में क्या बोला था आपको, टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years कितना था, 20,000 प्लस 22,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000. ये टोटल प्रॉफिट था लास्ट 4 years का. ठीक है, अब इसके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन कितना आएगा, 72,000. कैलकुलेशन कितना आएगा, 72,000. टोटल प्रॉफिट आपने निकाल दिया. अब स्टेप टू में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, 72,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. नंबर ऑफ इयर्स कितना थे, 4. तो टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 18,000. ये हमने एडमिशन में भी सीखा था. ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 स्टेप नंबर 3. अब आपको क्या करने का है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का. मतलब टोटल बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टोटल फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा था हमने, 3, जो कि प्रॉब्लम में हमको दिया था. 18,000 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 54,000. बस आपको बस 54,000 निकालने के बाद स्टेप 4 पे जाने का है. स्टेप 4 का नाम है डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल. डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल 54,000 इंटू 3/10. 3/10 कैसा है देखिए, उसका रेशो कितना था गुडविल में, 4:3:3, और मौत हो गई किसकी, निशु की. तो निशु का नाम 3 नंबर पे था, तो उसका शेयर कितना, 3. कितने आउट ऑफ 3, 10 आउट ऑफ 3. इतना क्लियर हो गया. अब बस आपको कैलकुलेशंस करने का है. कैलकुलेशंस करने के बाद आपका आंसर आएगा 16,200, जो कि होगा आपका गुडविल, जो कि आपका क्या होगा, गुडविल. अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बरोबर आने के बाद, प्रॉब्लम राइट आने के बाद भी उनके मार्क्स कहाँ कटते हैं, कौन से स्टेप पे कटते हैं, ये देखिए कि जब आपको गुडविल डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ये मेथड रहने दो. आपको कैलकुलेशंस जिस पेज पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो उसके बाजू के पेज पे करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको मार्क्स होंगे. देखिए जैसे कि एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, गिव द वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट. मतलब वर्किंग नोट ऑफ गुडविल का मतलब ये है, वर्किंग नोट ऑफ गुडविल टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल. तो इसके लिए आपको मार्क्स होंगे, टोटल इसके लिए मार्क्स होंगे आपको 2 मार्क्स. 1 मार्क्स इस स्टेप के लिए और 1 मार्क सस्पेंस अकाउंट के स्टेप के लिए. तो ध्यान से कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने आपको 2 से 3 प्रॉब्लम सिखाए जो कि इम्पोर्टेंट है. बाकी न्यू सिलेबस में के जो प्रॉब्लम्स होंगे उससे रिलेटेड जो गुडविल की कैलकुलेशंस होंगी, वो कैलकुलेशंस हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आपको वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो देखने का है. वो देखने के बाद उस क्वेश्चंस में कि गुडविल आपको कैलकुलेट करने का है, कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने का है कि कितना शेयर डिसीड्स पार्टनर का गुडविल का आएगा. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट. तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट गाइस. आई होप आपको सब पूरा का पूरा समझ में आया होगा. ये गुडविल कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट था. इससे पहले कल के वीडियो में मैंने गुडविल कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आपको इस वीडियो के एंड में मैं 3 क्वेश्चंस दूंगा. वो 3 क्वेश्चंस देखने के बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करने का है. गुडविल कैलकुलेशंस करने के बाद डिसीड्स पार्टनर का कितना गुडविल आता है उसका क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस. तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy. स्टे कनेक्टेड.